हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ महेंद्र सिंह तोमर, फैकल्टी मेंबर MIET मेरठ, एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल इन MCQ सीरीज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूनिट 1, यूनिट 2 हमारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं और यूनिट 3 का पार्ट 1 लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने 1 से लेकर के 40 तक टोटल 40 क्वेश्चन हम लोगों ने MCQs डिस्कस किए थे, राइट? तो ये आपका सिलेबस है, ये वाला पार्ट हम लोग का हो गया था फ्लूइड प्रॉपर्टीज का, यहाँ तक है ना। फ्लूइड प्रॉपर्टीज, प्रेशर डेंसिटी, डायनामिक एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के ऊपर जितने भी बेसिक क्वेश्चंस बन सकते हैं MCQs, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। आज पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे पास्कल्स लॉ, कंटिन्यूटी इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस, जितने भी बेसिक क्वेश्चंस बन सकते हैं और जो क्वेश्चंस ऑनलाइन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और कुछ बेसिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से 40 तक हम लोगों के ऑलरेडी हो चुके हैं, राइट? सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 41। कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ फ्लो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, आंसर इज मास। जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है दैट इज बेस्ड ऑन मास कंजर्वेशन। मास कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि भाई किसी भी पाइप के अंदर, किसी भी चैनल के अंदर जो फ्लूड फ्लो हो रहा होता है ना, इस पाइप के अंदर, इस चैनल के अंदर कोई फ्लूड फ्लो हो रहा है तो जितना फ्लूड एंटर होगा उतना फ्लूड क्या होगा, एग्जिट होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ मास कंजर्वेशन, ठीक है? मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इनसाइड द पाइप, इनसाइड द चैम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, या इस क्वेश्चन से पहले जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है उसको एक बार देख लीजिए आप। ये देखिए, मास कंजर्वेशन जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारे को जो इक्वेशन मिलती है वो इक्वेशन मिल जाती है रो वन ए वन बी वन इज इक्वल टू रो टू ए टू बी टू, ठीक है? ये कोई पाइप है, ये कोई चैनल है, ये हो गया हमारा सेक्शन वन, ये हो गया सेक्शन टू, और इधर फ्लूड फ्लो हो रहा है, तो ये इक्वेशन हो गई हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन। एंड दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड, है ना, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी आ रही है। यहाँ पर जो रो वन है इसका मतलब क्या है, डेंसिटी। एक वन क्या है, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया। वी वन है यहाँ पर वेलोसिटी। इसी तरह से रो टू ए टू वी टू कॉरस्पॉन्डिंग डेंसिटी, एरिया और वेलोसिटी है एट सेक्शन टू। सो ये जो इक्वेशन है आप देख रहे हैं, दिस इज वैलिड फॉर compressible fluid as well as you can say incompressible. Incompressible, compressible का मतलब समझिए जरा, compressible का मतलब क्या होता है, compressible का मतलब होता है कि density जब change नहीं होती है, constant, sorry, density change हो सकती है, constant नहीं रहती है। और incompressible का मतलब क्या होता है, what is the meaning of incompressible? Incompressible का मतलब है जब density क्या रहती है, constant रहती है। अगर आप इसको apply करना चाहते हो incompressible के लिए तो density rho one rho two क्या हो जाएंगी, cancel out हो जाएंगी और आपके पास equation मिलेगी ए वन बी वन इज इक्वल टू ए टू बी टू। यहाँ पर जो Q है वो क्या है, डिस्चार्ज है। Q क्या है, यहाँ पर डिस्चार्ज है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भाई बताओ वाटर के लिए कौन सी इक्वेशन अप्लाई करें हम लोग, है ना, ये वाली इक्वेशन अप्लाई करोगे तो ये वाटर के लिए तो डेंसिटी क्या होती है, कॉन्स्टेंट रहती है। भाई एक बात बताओ मुझे, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि फ्लूइड जो है, फ्लूइड का मतलब क्या होता है, आइदर लिक्विड और गैस, आइदर लिक्विड और गैस। लिक्विड जो होते हैं वो हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनकी डेंसिटी चेंज नहीं होती है, और जो गैसेस होती हैं ये कंप्रेसिबल होती हैं। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि बताओ एक इक्वेशन ये वाली है और दूसरी इक्वेशन ये वाली है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन, दोनों ही क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन है, बताओ गैस के लिए कौन सी इक्वेशन अप्लाई करोगे, ये वाली अप्लाई करोगे, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी क्या नहीं है, कॉन्स्टेंट नहीं रहती है गैसेस के लिए। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि लिक्विड है ना, लिक्विड के लिए कौन सी इक्वेशन अप्लाई करोगे, तो ये वाली इक्वेशन अप्लाई करोगे, क्योंकि लिक्विड क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल, और इनकम्प्रेसिबल के लिए ये वाली इक्वेशन है, गैसेस के लिए ये वाली इक्वेशन, क्योंकि गैस क्या होती है, कंप्रेसिबल होती है। आपसे बोला जाए वाटर के लिए कौन सी इक्वेशन अप्लाई करोगे, तो वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है, इनकम्प्रेसिबल, तो ये वाली इक्वेशन अप्लाई करोगे आप सेकंड वाली। आपसे अगर पूछा जाता है कि बताओ ऑयल के लिए कौन सी इक्वेशन अप्लाई करोगे, ऑयल, ऑयल भी क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल, ये भी क्या है, लिक्विड है, तो ये इक्वेशन अप्लाई करोगे। आपसे पूछा जाए कि जो एयर है, एयर के लिए कौन सी इक्वेशन अप्लाई करोगे, एयर तो गैस होती है, इनकम्प्रेसिबल, सॉरी कंप्रेसिबल, तो ये वाली इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तो दोनों ही क्या है, ये दोनों ही कंटिन्यूटी इक्वेशन है, ये कंप्रेसिबल के लिए है और ये इनकम्प्रेसिबल के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटिन्यूटी इक्वेशन रिलेट्स, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मास रेट ऑफ फ्लो अलोंग अ स्ट्रीम लाइन, डी इज द राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 43, वन डायमेंशनल फ्लो इज। वन डायमेंशनल फ्लो का मतलब है कि जब फ्लूड एक, हम ये मान करके चलें कि जो फ्लूड है वो एक एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी इसके जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन है उसमें क्या कर दिया हमने, उसकी डायरेक्शन निग्लेक्ट कर दिया है ना। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन सी है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। वन डायमेंशनल फ्लो इज वन विच निग्लेक्ट द चेंजेस इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। केवल एक ही डायरेक्शन में हम मान करके चल रहे हैं कि फ्लूड जो है एक डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, इसकी जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन है इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं वो नेग्लिजिबल हैं, है ना। ऑप्शन सी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, अ यूनिफॉर्म फ्लो इज वन। यूनिफॉर्म फ्लो का क्या मतलब होता है ये आपसे पूछ रहा है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन आएगा वो स्टडी फ्लो का होगा, समझना। दो चीजों को समझो यहाँ पर, एक है यूनिफॉर्म फ्लो और दूसरा है आपका स्टडी फ्लो, दोनों इंपॉर्टेंट हैं और बच्चों को कई बार इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो वन बाय वन दोनों को समझ लेते हैं। पहले यूनिफॉर्म वाला क्वेश्चन है तो यूनिफॉर्म को समझेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो। एक एग्जांपल समझते हैं, मान लीजिए ये कोई एक रॉड है किसी मेटल की, ठीक है। अब इस पॉइंट पर मान लीजिए अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी मान लीजिए 9 बज रहे हैं, है ना, 9 AM। तो 9 बजे पर्टिकुलर मोमेंट पर यहां पर मान लीजिए टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। इस पॉइंट पर दूसरे पॉइंट पर भी कितना होगा 20 डिग्री सेल्सियस, तीसरे पॉइंट पर कितना होगा 20 डिग्री सेल्सियस। यानी कि कोई भी फ्लूइड की प्रॉपर्टी जो है वो क्या रहेगी, हर पॉइंट पर सेम रहेगी एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, किसी पर्टिकुलर टाइम पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर हर एक पॉइंट पर जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। टाइम बदल जाएगा तो प्रॉपर्टी बदल जाएंगी लेकिन हर पॉइंट पर वही रहेंगी। मान लीजिए टाइम, अभी टाइम कितना था, 9 बज रहे थे, अभी 12 बज गए हैं, ठीक है, अभी 12 बज गए हैं, तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो कितना हो गया, मान लो 50 डिग्री सेल्सियस, पहले कितना था 20, तो अब कितना हो गया 50, लेकिन ये जो 50 है हर पॉइंट पर कितना रहेगा, 50 रहेगा, हर पॉइंट पर 50 रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर टाइम पर पॉइंट टू पॉइंट जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज नहीं होती है, हर एक पॉइंट पर क्या रहेंगी, प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, हर एक पॉइंट पर प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी एट ए पर्टिकुलर टाइम। टाइम बदलेगा तो हो सकता है कि प्रॉपर्टीज बदल जाएं, लेकिन हर पॉइंट पर क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। ऐसे फ्लो को हम कहते हैं यूनिफॉर्म फ्लो, है ना, विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट चेंज नहीं होनी चाहिए एट अ गिवन इंस्टेंट। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, देखो जरा क्या कह रहा है। तो यूनिफॉर्म फ्लो हम उस फ्लो को कहते हैं, द फ्लो पैरामीटर, जो भी फ्लो पैरामीटर्स होते हैं, जैसे मैंने टेम्परेचर यहां पर लिया एक, द फ्लो पैरामीटर एट एनी गिवन इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर गिवन इंस्टेंट पर रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पर जो पैरामीटर्स हैं वो सेम रहने चाहिए एट अ गिवन इंस्टेंट। क्लियर हो गया आपको ये? तो ये था हमारा क्या, यूनिफॉर्म फ्लो, इसका ऑप्शन ए जो है दैट इज करेक्ट। जब फ्लूइड के पैरामीटर्स, फ्लो के पैरामीटर्स चेंज नहीं होते हैं पॉइंट टू पॉइंट एट अ गिवन इंस्टेंट, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो देखिए क्वेश्चन कह रहा है, स्टडी फ्लो का ये क्वेश्चन है, पढ़ो जरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, द फ्लो इन विच द कोऑर्डिनेट्स डू नॉट चेंज विद टाइम एट अ गिवन पॉइंट, है ना। समझो जरा, फिर से वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई मेटल की रॉड है और अभी टाइम हो रहा है मान लीजिए 9 AM। यहाँ पर कितनी प्रॉपर्टी है, यहाँ पर इसका जो फ्लो पैरामीटर में अगेन टेम्परेचर ले रहा हूँ 20 डिग्री सेल्सियस, तो इस पॉइंट पर हो सकता है अलग हो, 9 बजे यहाँ इस पॉइंट पर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर हो सकता है 50 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर हो सकता है मान लो 70 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, गिवन इंस्टेंट कितना है 9 AM, तो हर एक पॉइंट पर जो फ्लो पैरामीटर है वो अलग अलग हो सकते हैं। अब मान लीजिए टाइम बदल गया, टाइम कितना हो गया मान लीजिए 12 बज गए 12 PM, तो अब क्या रहेगा, उस जिस पॉइंट पर टेम्परेचर कितना था 20 था 20 ही रहेगा, है ना, जिस पॉइंट पर 50 था 50 रहेगा, जिस पॉइंट पर 70 डिग्री सेल्सियस था उस पॉइंट पर उतना ही रहेगा। मतलब क्या हुआ कि देखो पॉइंट टू पॉइंट तो यहाँ पर वेरी कर रहे हैं पैरामीटर, टेम्परेचर पॉइंट टू पॉइंट क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, लेकिन टाइम टू टाइम चेंज नहीं हो रहा है। 9 बजे कितना था 20 50 70, 12 बजे कितना है 20 50 70। मतलब क्या हुआ कि जब टाइम टू टाइम, यानी कह रहा है क्या, डू नॉट चेंज विद टाइम, जब फ्लूइड की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, जब फ्लूइड की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टडी फ्लो कहते हैं। स्टडी फ्लो का मतलब समझ में आ गया आपको, तो ये इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जब फ्लो के पैरामीटर्स, जब फ्लूइड के पैरामीटर्स चेंज नहीं होते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम कहते हैं स्टडी फ्लो, है ना। क्या कहते हैं उसको, स्टडी फ्लो कहते हैं। तो स्टडी फ्लो और यूनिफॉर्म फ्लो में कंफ्यूज नहीं होना है, मैं कंक्लूड कर देता हूं। यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब पॉइंट टू पॉइंट प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है एट ए गिवन इंस्टेंट,
ठीक है, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। इसका मतलब है जब विद रेस्पेक्ट टू टाइम, स्टडी फ्लो का मतलब है विद रेस्पेक्ट टू टाइम जब फ्लूइड की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है तो उसको हम स्टडी फ्लो कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग। जो आइडियल फ्लो है वो क्वांटिटेटिव इक्वेशन को फुलफिल करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, ये कंडीशन होती है। कोई भी फ्लूइड हो, ध्यान रखो, कोई भी फ्लूइड हो, रियल फ्लूइड हो, आइडियल फ्लूइड हो, वो क्या करना चाहिए, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन फॉर कंप्रेसिबल फ्लो। कंप्रेसिबल फ्लो के लिए क्या बताया था मैंने आपको, रो वन ए वन बी वन इज इक्वल टू रो टू ए टू वी टू, है ना। तो ये जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट है। क्या पूछ रहा है आपसे, कंप्रेसिबल के लिए कौन सी इक्वेशन ठीक होगी, तो ऑप्शन सी जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। अगर आपसे इक्वेशन पूछ ले कल इनकम्प्रेसिबल के लिए तो क्या हो जाएगी, ये रो वन रो टू से कैंसिल आउट हो जाएंगे, डेंसिटी चेंज नहीं होती है इनकम्प्रेसिबल के लिए, तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी ए वन बी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू। ए क्या है यहाँ पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वी है यहाँ पर वेलोसिटी, रो है डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। इफ अ लिक्विड एंटर्स अ पाइप ऑफ डायमीटर डी विद अ वेलोसिटी वी, व्हाट विल इट्स वेलोसिटी एट द एग्जिट इफ द डायमीटर रिड्यूसेस टू 0.05 डी, है ना। कुछ इस तरह से है, लाइक दिस, इसका डायमीटर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर मैंने मान लिया क्रॉस सेक्शन वन है और यहाँ पर सेक्शन कौन सा है, टू है, ठीक है। स्टार्टिंग में जो इसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है वो कितनी है, मान लीजिए बी वन की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, वी है, और डायमीटर डी वन जो है वो डी है, और आगे बोल रहे हैं आपसे जो डायमीटर है वो कितना हो गया है, डी टू की वैल्यू 0.5 टाइम्स ऑफ डी हो गया है, तो एग्जिट वेलोसिटी पूछ रहा है ना, ये हो गया इसका एंट्री और ये हो गया इसका एग्जिट, तो वी टू एग्जिट पर कितनी वेलोसिटी होगी ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। और इसके अंदर कौन सा फ्लूड फ्लो हो रहा है, लिक्विड, तो लिक्विड हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल के लिए इक्वेशन क्या होती है, ए वन बी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू, और ए क्या होता है यहाँ पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और डायमीटर यहाँ पर दिया हुआ है, तो एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, पाई बाई फोर डी स्क्वायर, पाई बाई फोर डी वन स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, इनटू वेलोसिटी वी वन इक्वल टू पाई बाई फोर डी टू स्क्वायर इनटू वी टू। तो यहां से पाई बाई फोर से पाई बाई फोर कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से आपको वी टू की वैल्यू निकालनी है तो आप इसको लिख सकते हैं वी टू इज इक्वल टू डी वन बाई डी टू का स्क्वायर इनटू वी वन। वैल्यू पुट कर दीजिए, डी वन की वैल्यू कितनी है, डी है, और डी टू की वैल्यू कितनी है, 0.5 डी का स्क्वायर इनटू v1 की वैल्यू कितनी है, v, है ना, v1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, v दी हुई है, तो यहां से आपको v2 की वैल्यू मिल जाएगी, ये हो जाएगा आपका 1/0.5 का स्क्वायर इनटू v, यानी कि ये हो जाएगा आपका ये आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर इनटू v, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ v, तो कितना आ गया आपका v2 की वैल्यू, 4 टाइम्स ऑफ v, यानी कि ऑप्शन डी जो है दैट इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आप अपना फीडबैक, अपना रेस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। आपका अगर कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आता है, उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं जरूर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा एज सून एज पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50, द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, रिलेट्स मास रेट ऑफ द फ्लो अलोंग द स्ट्रीम लाइन। अलग तरह से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, मतलब ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, है ना, थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है, थोड़े से ऑप्शन अलग है, है ना, तो डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, द मोशन ऑफ व्हर्लपूल इन अ रिवर इज। आपने देखा होगा रिवर में ना इस तरह से होता रहता है वो, कई बार लाइक दिस, इस तरह से ये वाटर जो है घूमता रहता है, तो इस तरह से जो व्हर्लपूल बनता है ये फ्री वॉर्टेक्स है या फोर्स्ड वॉर्टेक्स है या कुछ और है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्री वॉर्टेक्स। क्या हो जाएगा इसका, फ्री वॉर्टेक्स हो जाएगा। समझते हैं फ्री वॉर्टेक्स और फोर्स्ड वॉर्टेक्स समझना जरूरी है। ये आपका जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है वो फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो पे काम करता है, तो फ्री वॉर्टेक्स और फोर्स्ड वॉर्टेक्स को हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। सबसे इसका सिंपल सा एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे आपके घरों में जो वॉश बेसिन है, हैंड वॉश जहाँ पे आप करते हैं, उसको नीचे से बंद कर दीजिए और टैप ऑन कर दीजिए, उसके अंदर पानी भर जाएगा, है ना, उसके अंदर क्या भर जाएगा, पानी भर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने इसको बंद कर दिया पहले और यहाँ से टैप से आपने इसमें पानी भर दिया, ठीक है, पूरा पानी भरा हुआ है इसके अंदर वॉश बेसिन के अंदर। उसके बाद आप इसको ओपन कर दीजिए, है ना, इसको ओपन कर दीजिए, आप देखेंगे ये जो पानी है ना इसके अंदर ये घूमने लग जाएगा, ये पानी क्या होगा इसके अंदर घूमने लग जाता है, ये होता है आपका फ्री वॉर्टेक्स। कौन सा होता है, दिस इज फ्री वॉर्टेक्स। फ्री वॉर्टेक्स क्यों कह रहे हैं हम इसको, क्योंकि जो पानी घूम रहा है ना गोल गोल, इस तरह से पानी जो घूम रहा था वॉश बेसिन के अंदर, इसको हमने घुमाया नहीं, बाहर से कोई हमने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, बाहर से हमने इसको कोई टॉर्क नहीं दिया है,
बाहर से जब हम कोई टॉर्क नहीं दे रहे तो उसको बोलेंगे हम फ्री वर्टेक्स फ्लो, ठीक है। इसी तरह से आप देखते हैं जो नदी होती है या आपने नहर में देखा होगा जहां गेट लगे रहते हैं ना, तो वहां पर पानी जो है इस तरह से घूमता रहता है इस तरह से लाइक दिस। तो ये भी क्या है, हम कोई बाहर से कोई टॉर्क नहीं लगा रहे इसमें, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी फ्री वॉर्टेक्स का एग्जाम्पल है ना। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था, द मोशन ऑफ व्हर्लपूल इन अ रिवर, तो वो फ्री वॉर्टेक्स का एग्जाम्पल है। तो जब हम बाहर से कोई टॉर्क नहीं देते हैं, एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं और वाटर जो है पानी घूमता रहता है ना, तो उसको हम कहते हैं फ्री वॉर्टेक्स फ्लो। दूसरा एग्जाम्पल, ये जो फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो है ये क्या होता है, मान लीजिए आपने किसी बर्तन में पानी भर लिया, ठीक है, आपने किसी बर्तन में पानी भर लिया इस तरह से लाइक दिस, बकेट मान लीजिए एक, या टब है आपके पास है ना जिसमें छोटे छोटे बच्चे नहाते हैं, तो वो एक टब है, बाथ टब, उसमें पानी भर लीजिए और उसको पकड़ करके उठा करके इस तरह से आप घुमाएंगे ना उसको, रोटेट कराएंगे, तो क्या होगा, पानी इस तरह से घूमने लग जाएगा, पानी इस तरह से घूमने लग जाएगा। तो अब ये जो पानी मोशन में है, जो पानी घूम रहा है गोल गोल, ये है आपका फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो। क्यों है ये फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो, क्योंकि हम इसमें बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, हम एक्सटर्नली फोर्स लगा रहे हैं तब जाकर के वॉटर घूम रहा है। बाहर से हम जब टॉर्क देते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उसको कहते हैं हम फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो, है ना, फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो कहते हैं उसको। लेकिन यहाँ पर जो है इसने पूछा है मोशन ऑफ व्हर्लपूल इन अ रिवर, तो रिवर में जो पानी घूमता रहता है इस तरह से गोल गोल, वो तो अपने आप, हम बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका फ्री वॉर्टेक्स फ्लो का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बर्नौली इक्वेशन से, कुछ क्वेश्चन आएंगे। ये बर्नौली इक्वेशन आपकी है ना, ये एक फॉर्मेट है, ये एक दूसरा फॉर्मेट है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो W लिखा हुआ है ना बच्चे, W का मतलब है यहाँ पर रोजी, W का मतलब क्या है यहाँ पर रोजी। तो मैं इक्वेशन यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ आपको, ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी पी वन अपॉन रोजी प्लस वी स्क्वायर या वी वन स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड वन इज इक्वल टू पी टू अपॉन रोजी प्लस वी टू स्क्वायर, ये वी वन स्क्वायर था, वी टू स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड टू, ये इक्वेशन है हमारी बर्नौली इक्वेशन। इन जनरल हम इसको ऐसा लिख सकते हैं P अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दिस इज अवर बर्नौली इक्वेशन। यहाँ पर जो W है यह है स्पेसिफिक वेट, जिसको हम क्या लिखते हैं रो जी से लिखते हैं, किससे लिखते हैं रो जी से लिखते हैं, ठीक है। तो ये बर्नौली इक्वेशन हो गई हमारी। अब यहाँ पर और थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिख दिया है मैंने जो P अपॉन रो जी, P अपॉन W है दैट इज इक्वल टू P अपॉन रो जी, और इसको हम बोलते हैं प्रेशर हेड या फिर स्टेटिक हेड। जो ये वाली टर्म है, ये वाली जो टर्म है बी स्क्वायर अपॉन टू जी, इसको हम बोलेंगे यहाँ पर वेलोसिटी हेड या फिर काइनेटिक हेड। जो जेड है प्लस जेड, यहाँ पर इसको बोलेंगे हम इट इज अ पोटेंशियल हेड और डेटम हेड, ये ध्यान रखेंगे। एक टर्म और ध्यान रखेंगे यहाँ पर, जो पी अपॉन रोजी है ना, पी अपॉन रोजी को क्या बोला हमने इस वाली टर्म को, पी अपॉन डब्ल्यू का मतलब पी अपॉन रोजी, दिस इज नोन एज प्रेशर हेड। इसमें अगर आप जेड डेटम हेड, इसको डेटम हेड को या पोटेंशियल हेड जेड को एड कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा पीजोमेट्रिक हेड। क्या बन जाएगा ये, पीजियोमेट्रिक हेड, है ना। आगे एक क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा पीजियोमेट्रिक हेड तो आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, पी अपॉन रोजी प्लस जेड की वैल्यू निकालेंगे, तो आपको मिल जाएगा पीजियोमेट्रिक हेड, ठीक है। और बाकी हम यूनिट का भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे जब क्वेश्चन आएंगे देखेंगे। तो बर्नौली इक्वेशन डील्स विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था आपको जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है दैट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, लेकिन जो बर्नौली इक्वेशन है, बर्नौली इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना, ऑप्शन सी जो है दैट इज द राइट आंसर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, याद रहेगा कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन मास कंजर्वेशन, बर्नौली इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, बर्नौली इक्वेशन कैन बी ड्राइव फ्रॉम, बर्नौली इक्वेशन को हम कहां से, कौन सी इक्वेशन से ड्राइव करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा इल्यूर इक्वेशन, है ना, इल्यूर इक्वेशन। याद आ रहा है आपको डेरिवेशन जब ड्राइव किया था बर्नौली इक्वेशन का, वन शॉर्ट वीडियो में मैंने इसको ड्राइव किया हुआ है। इल्यूर इक्वेशन से क्या करते हैं हम, बर्नौली इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं। क्या होता है इल्यूर इक्वेशन, इसके अंदर दो फोर्स आते हैं केवल, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स और एक प्रेशर फोर्स। कितने फोर्स कंसिडर करते हैं इसमें, ग्रेविटेशनल फोर्स और प्रेशर फोर्स। आपसे पूछा जा सकता है कि जो इल्यूर इक्वेशन होती है इसमें कौन कौन से फोर्स हम कंसिडर करते हैं, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा प्रेशर फोर्स, बाकी टर्बुलेंस फोर्स और विस्कस फोर्स वगैरह को हम क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। केवल यही दो फोर्स कंसिडर किए जाते हैं किसमें, इल्यूर इक्वेशन में, और इल्यूर इक्वेशन से हम क्या करते हैं बर्नौली इक्वेशन को ड्राइव करते हैं, डेरिवेशन ड्राइव कर लेते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो गया वो कौन क्या हो गया, ऑप्शन डी दिल्ली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बर्नौली थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर, बर्नौली इक्वेशन कहां पर एप्लीकेबल होती है, परफेक्ट यू नो इनकंप्रेसिबल, एक सेकंड, यस ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्टडी फ्लो के लिए,
है ना, ये हम एजम्पशन लेकर के चलते हैं कि जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज हैं, बताया था ना स्टडी फ्लो का मतलब क्या होता है, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज जब चेंज नहीं होती हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो उसको हम स्टडी फ्लो कहते हैं, और जो बर्नौली इक्वेशन है वो स्टडी फ्लो के लिए ही एप्लीकेबल है, स्टडी फ्लो के लिए ही एप्लीकेबल है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है बॉम्बे इज द राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 55, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रिप्रेजेंट्स, तो आंसर हो जाएगा बी, बॉम्बे इज द राइट आंसर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। देखिए जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक सेकंड, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज, देखिए आपने पढ़ा होगा फोर्स, न्यूटन का सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए, है ना, एम ए को क्या लिख सकते हैं हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा आपका एम, यू नो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो दिखाता है फोर्स को, लेकिन यहां पर ये कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो ये आपको बताएगा टॉर्क अप्लाइड बाय द फ्लूइड, कंफ्यूज नहीं होना है, ये पूछ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, आंसर क्या होगा आपका, टॉर्क अप्लाइड बाय द फ्लूइड, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 56, कह रहा है क्वेश्चन के अंदर बर्नौलीज इक्वेशन कैन नॉट बी एप्लीकेबल और कैन नॉट बी अप्लाइड व्हेन द फ्लो इज, यहाँ पर हम बर्नौली इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते, कौन से फ्लो के लिए, रोटेशनल के लिए, बिल्कुल सही, नहीं कर सकते हैं, टर्बुलेंट के लिए भी नहीं कर सकते हैं, अनस्टडी के लिए भी नहीं कर सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ द अबव, है ना, ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट आंसर है, और मोस्ट ऑफ द टाइम जब ऐसा ऑप्शन आपको मिल जाए ना, ऑल ऑफ द अबव, ऑल आर द राइट ऑप्शन, है ना, ऑल आर द करेक्ट, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वही सही होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑलवेज, ध्यान रखना, कभी हमेशा ही आप जो है ऑल ऑफ द अबव लगा के आ जाओ, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जहां पर ऑप्शन मिल जाए ना आपको ऑल ऑफ द अबव, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपका सही ऑप्शन होगा। चलिए, तो जो रोटेशनल फ्लो है इसके लिए बर्नौली इक्वेशन नहीं है, जब हम बर्नौली इक्वेशन ड्राइव करते हैं तो बहुत सारे अजम्पशंस हम वहां पर लेते हैं कि फ्लो कैसा होना चाहिए, इरोटेशनल होना चाहिए, दूसरा टर्बुलेंट ना होकर के ये लेमिनार होना चाहिए, ऐसा हम मान करके चलते हैं, और अनस्टडी ना होकर के कैसा होना चाहिए, स्टडी फ्लो होना चाहिए, तो ये कुछ अजम्पशंस हैं कि लेमिनार फ्लो हो, इरोटेशनल हो, स्टडी हो, ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है फिलहाल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, है ना, ध्यान रखना, नॉट करेक्ट पूछ रहे आपसे, द फ्लो शुड नॉट बी अनस्टडी, ये बात तो ठीक है, अनस्टडी नहीं होना चाहिए, मतलब स्टडी होना चाहिए, द फ्लो शुड बी कॉन्टिन्यूस, ये भी ठीक है, द फ्लूड शुड बी कंप्रेसिबल, नहीं ये इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, ये भी हमारा एक एजम्पशन होता है, कैसा होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल, इसका मतलब जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, ऑप्शन सी डी क्या है, फ्लो शुड बी फ्रिक्शनलेस, यस फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, मतलब विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए, नॉन विस्कस मान करके चलते हैं, विस्कोसिटी कितनी होनी चाहिए इसकी, जीरो होनी चाहिए, ऐसा हम मान करके चलते हैं, तो जो ऑप्शन सी है ये ट्रू नहीं है, है ना, तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला है कि जो इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, राइट, सो सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है ईच टर्म ऑफ बर्नौली इक्वेशन स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन डब्ल्यू प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हैज अ यूनिट ऑफ, इसमें से जो एक हर एक टर्म है जैसे पी अपॉन डब्ल्यू वी स्क्वायर अपॉन टू जी और वाई, इनकी टर्म क्या होगी ये पूछ रहा है आपसे, क्योंकि आप मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने आपको इक्वेशन बताई थी पी अपॉन रोजी, डब्ल्यू का मतलब क्या होता है यहाँ पर रोजी, पी अपॉन रोजी प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड, यहाँ पर जेड की जगह वाई लिख दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है ना, जेड की जगह यहाँ पर वाई लिख दिया, तो ये पूछ रहा है कि इनकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, तीन टर्म है और तीनों ऐड हो रही हैं, तो डेफिनेटली तीनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, आप एक बात बताओ मुझे, 2 kg प्लस 3 kg, kg में आप kg को जो ऐड कर सकते हो तो कितना होगी आपका 5 kg, क्या आप ऐसा लिख सकते हो 2 kg प्लस 3 grams, है ना, ऐसा ये तो नॉट पॉसिबल ना भाई, 2 apple प्लस 3 apple इज इक्वल टू हाउ मेनी एप्पल, दैट इज 5 apple, आप ऐसा लिख सकते हो 2 apple प्लस 3 guava, देन हाउ मेनी guava आर देर, कितने 2 apple प्लस 3 guava कितने हो गए इसके अंदर, कितने एप्पल या कितने guava, तो आप क्या करोगे, तो यूनिट जो है सेम होनी चाहिए, केजी में आप केजी को ऐड कर सकते हो, ग्राम में आप ग्राम में ऐड कर सकते हो, सेंटीमीटर को आप सेंटीमीटर में ऐड कर सकते हो, मीटर को आप मीटर में ऐड कर सकते हो, है ना, जूल को जूल में ऐड कर सकते हो, तो तीनों की यूनिट पहली बात तो क्या होंगी यहाँ पर, सेम होंगी, है ना, क्या होंगी, सेम होंगी, देखो क्या यूनिट होगी वो देख लेते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है बच्चे, देखो वी स्क्वायर अपॉन टू जी, ये वाली यूनिट पढ़ लेते हैं पहले, ये वाली यूनिट पढ़ लेते हैं, तो वी स्क्वायर अपॉन
2g, v क्या है वेलोसिटी यानी कि मीटर पर सेकंड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय g, है ना, 2 की तो कोई यूनिट नहीं होगी, g क्या होता है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप ऊपर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड स्क्वायर गया, 1 m से 1 m गया तो क्या आ गया मीटर, है ना, तो मीटर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देखो ये क्या है पी अपॉन डब्ल्यू, पी अपॉन डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, पी अपॉन W का मतलब रो जी, तो P क्या होता है यहाँ पर प्रेशर, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय रो क्या होता है डेंसिटी, दैट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, G क्या होता है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और न्यूटन जो होता है फोर्स होता है, दैट इज इक्वल टू एम ए, एम क्या होगा मास केजी, और ए क्या होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आप सॉल्व करके देखेंगे उसकी यूनिट भी क्या आ जाएगी मीटर ही आ जाएगी, क्या आ जाएगी मीटर आ जाएगी, तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी बच्चे मीटर हो जाएगी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मीटर, इसकी भी क्या हो जाएगी मीटर, कई बार तो क्वेश्चन में ये पूछ लेगा जो वाई है यहाँ पर या जेड जो हम लिखते हैं इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मीटर हो जाएगी, है ना, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मीटर हो जाएगी, यानी कि जो लेंथ की डायमेंशन होती है, लेंथ की जो यूनिट होती है वही इनकी यूनिट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, ऑल टर्म्स ऑफ एनर्जी इन बर्नौली इक्वेशन हैव द डायमेंशन ऑफ, जैसे मैंने आपको बताया था अभी इसकी टर्म, इसकी यूनिट क्या आई थी मीटर, इसकी भी क्या आएगी मीटर, इसकी भी क्या आएगी मीटर आएगी, तो मीटर किसकी लेंथ होती है, किसकी डायमेंशन होती है लेंथ की, है ना, मीटर किसकी यूनिट होती है लेंथ की, है ना, तो ऑल द टर्म ऑफ एनर्जी इन बर्नौली इक्वेशन हैव द डायमेंशन ऑफ लेंथ, लेंथ की क्या डायमेंशन होती है मीटर, मीटर इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 60, अ पॉइंट इन अ फ्लूइड फ्लो वेयर द फ्लो हैज कम टू रेस्ट इज कॉल्ड, जहां पर जो फ्लो है वो रेस्ट पे आ जाता है, यहाँ पर रेस्ट पे आ गया तो उसका मतलब क्या होगी वेलोसिटी जीरो, तो जहां पर फ्लूइड की वेलोसिटी क्या हो जाती है जीरो हो जाती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं स्टैग्नेशन पॉइंट, क्या बोलते हैं उसको स्टैग्नेशन पॉइंट, वो पॉइंट होता है जहां पर फ्लूइड की जो वेलोसिटी है जो फ्लो है वो रुक जाता है रेस्ट में आ जाता है, फ्लूइड की वेलोसिटी जीरो हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन डी दिल्ली इज द राइट आंसर, दिल्ली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन, तो बर्नौली इक्वेशन तो मैंने आपको बताई थी अभी, दैट इज पी अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना, तो डब्ल्यू को हम क्या बोलते हैं यू नो रो जी, ये क्या होता है आपका रो जी होता है, तो ऑप्शन ए जो है नॉट, ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट, यहाँ पर माइनस है, ऑप्शन बी जो है वो राइट ऑप्शन होगा, है ना, ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर, है ना, This is P upon rho g V square upon 2g plus z. B is the right answer. Bombay is the right answer. चलिए next जो question है आपका question number 62, क्या कह रहा है question के अंदर? A water flow through a pipe at velocity 2 meter per second. The pressure gauge reading is 2 bar. The datum head is given to 2 meter. Find the piezometric head. Assume all Bernoulli's assumptions. Density of water 1000 kilogram per meter cube and g is equal to 9.8 meter per second square. Piezometric head मैंने आपको बताया था p upon rho g plus z को क्या बोलते हैं हम piezometric head बोलते हैं. तो p आपको दिया हुआ है pressure is given to you 2 bar. Pressure आपको पता है कितना है 2 bar है और इसको हम लिख सकते हैं 2 into 10 की power 5 newton per meter square या pascal. ठीक है. The datum head is given to be 2 meter. जो डेटम हेड है जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 2 मीटर, फाइंड द पीजोमेट्रिक हेड, डेंसिटी कितनी दे रखी है आपको 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, अगर आपको ये डेंसिटी नहीं देता आपको पता होना चाहिए वाटर है तो वाटर की डेंसिटी कितनी रखेंगे आप हमेशा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो पीजोमेट्रिक हेड आपसे पूछा गया है तो वैल्यू आप जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए, क्या होता है पीजोमेट्रिक हेड पी अपॉन रो जी प्लस जेड, ये वैल्यू आपको निकालनी है, पी कितना है, पी की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय रो की वैल्यू है 1000 इंटू जी की वैल्यू 9.8 प्लस 2, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, है ना, इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपका 22.4 मीटर, है ना, 22.4 मीटर, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। इस तरह से आपको बस इतना पता होना चाहिए जो P upon rho g है ना, P upon rho g plus z, that is known as piezometric head, क्या पूछ रहा था आपसे, piezometric head पूछ रहा था जो कि P upon rho g plus z के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है which is Bernoulli's equation applicable between any two points in the flow field, तो कैसा होना चाहिए फ्लूइड जो है, फ्लो कैसा होना चाहिए, स्टडी होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए,
और इरोटेशनल होना चाहिए. ऑप्शन डी इज करेक्ट. बर्नौली के जो एजम्पशंस हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना. कई क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं. व्हाट आर दी एजम्पशंस ऑफ बर्नौली इक्वेशन, है ना. सही तरीका ये रहता है कि आप पहले वीडियो को पॉज कर लें और अपने मन में आप जो है आंसर देख लें कि ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन ठीक है. उसके बाद आप वीडियो को प्ले करके देखें कि आपका जो आंसर है वो ठीक है या ठीक नहीं है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेंचुरीमीटर इज यूज टू मेजर द डिस्चार्ज थ्रू अ पाइप. आंसर आ जाएगा इसका पाइप. जो वेंचुरीमीटर है होता है, वेंचुरीमीटर एक डिवाइस है जो क्या करती है, डिस्चार्ज को मेजर करने का काम करती है. जो फ्लो रेट है उसको मेजर कर सकती है किसी पाइप के अंदर. कोई पाइपलाइन है ना, कोई पाइपलाइन है. आप देखते हैं ना आपकी कॉलोनी में जहां पर आप रहते हैं वहां भी कोई पाइपलाइन होगी. वाटर की पाइपलाइन हो सकती है जिसमें वाटर फ्लो हो रहा होगा, या कोई ऑयल की होती है, कोई गैस की होती है ना. तो या आपके घर में जो पाइपलाइन लगी हुई है वाटर जिसके अंदर फ्लो हो रहा है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जो वाटर जाता है उसमें अगर आपको वाटर का डिस्चार्ज मेजर करना है तो हम उसके लिए वेंचुरीमीटर यूज कर लेते हैं, है ना. किसी भी पाइप के अंदर जो फ्लूड फ्लो हो रहा होता है उसका डिस्चार्ज मेजर करने के लिए, उसका जो फ्लो रेट है उसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं वेंचुरीमीटर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये आप देखिए वेंचुरीमीटर कुछ इस तरह की डिवाइस होती है. यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए जहां से भी क्वेश्चन बनेंगे. तो ये वेंचुरीमीटर है, ये कोई एक पाइपलाइन थी इस तरह से, और इस पाइपलाइन में हमने क्या कर दिया, वेंचुरीमीटर लगा दिया, है ना. वेंचुरीमीटर यहाँ पर लगा दिया डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए. मेनली जो वेंचुरीमीटर होता है इसके तीन पार्ट होते हैं. पहला होता है यहाँ पर देखिए कन्वर्जिंग पार्ट, जहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. यहां से यहां तक क्या हो रहा है, एरिया डिक्रीज हो रहा है, इसका डायमीटर डिक्रीज हो रहा है. उसके बाद यहां पर देखेंगे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या है, मिनिमम है. तो जहां पर एरिया डिक्रीज हो रहा होता है जिस पोर्शन का उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग कोन या फिर कन्वर्जिंग पार्ट, है ना. कन्वर्ज हो रहा है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है एरिया. जहां पर एरिया मिनिमम है, डायमीटर जहां पर मिनिमम है उसको बोलते हैं थ्रोट. क्या बोलते हैं उसको, थ्रोट. उसके बाद आप देखेंगे यहां पर जो इसका एरिया है ये एरिया ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हम क्या, डाइवर्जिंग कोन. डाइवर्ज हो रहा है ना, एरिया क्या हो रहा है यहां पर, इंक्रीज हो रहा है, डायमीटर इंक्रीज हो रहा है, तो डाइवर्जिंग कोन, डाइवर्जिंग पार्ट. तो तीन पार्ट हो गए इसके वेंचुरीमीटर के, एक कौन सा, डाइवर्जिंग, एक कन्वर्जिंग कोन हो गया कन्वर्जिंग पार्ट, दूसरा हो गया डाइवर्जिंग कोन डाइवर्जिंग पार्ट, और एक हो गया तीसरा थ्रोट. ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन यहां पर आप देखिए जरा, ये जो लेंथ है ये लेंथ किसकी है, ये लेंथ है कन्वर्जिंग पार्ट की, और ये लेंथ किसकी है, डाइवर्जिंग पार्ट की. तो डाइवर्जिंग वाले की जो लेंथ होती है, जो डाइवर्जिंग कोन है इसकी जो लेंथ होती है डाइवर्जिंग वाले की, वो ज्यादा होती है किससे, किसकी लेंथ से, कन्वर्जिंग पार्ट से. ये कन्वर्जिंग लेंथ है, ये डाइवर्जिंग लेंथ है, तो डाइवर्जिंग पार्ट की लेंथ, पार्ट की जो लेंथ है वो ज्यादा होती है, डाइवर्जिंग कोन की लेंथ ज्यादा होती है. दूसरा ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल डाइवर्जिंग पार्ट का, वो क्या होता है, कम होता है किससे, कन्वर्जिंग पार्ट से. कन्वर्जिंग का एंगल ज्यादा होता है, डाइवर्जिंग का एंगल कम होता है. और यहाँ पर एक मैनोमीटर लगा रहता है जिससे हम यहाँ पर ये रीडिंग मिल जाती है हाइट की. तो हम इसको मेजरमेंट में आगे और डिटेल में बताएंगे मैनोमीटर किस तरह से काम करता है. फिलहाल तो आप वेंचुरीमीटर पर फोकस कीजिए. तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वेंचुरीमीटर इज यूज टू मेजर द फ्लो ऑफ फ्लूइड्स इन अ पाइप व्हेन द पाइप इज. ये जो पाइप होता है इस तरह से, पाइप हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, या जिस पाइप के अंदर हम फ्लो रेट को मेजर कर रहे हैं, डिस्चार्ज को मेजर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वेंचुरीमीटर, तो वो जो पाइप है वो कैसा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए, या फिर यू नो वर्टिकल फ्लो डाउनवर्ड, वर्टिकल फ्लो अपवर्ड, या फिर किसी भी पोजीशन में, है ना. तो आंसर हो जाएगा आपका डी, दिल्ली इज द राइट आंसर. जिस पाइप के अंदर आप फ्लूइड का फ्लो मेजर कर रहे हैं, डिस्चार्ज को मेजर कर रहे हैं किसकी हेल्प से, वेंचुरीमीटर की हेल्प से, तो उस पाइप जो है वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, किसी भी पोजीशन में हो सकता है वो पाइप, और आप जो है वेंचुरीमीटर की हेल्प से डिस्चार्ज को मेजर कर सकते हैं. तो किसी भी पोजीशन में होता है पाइप, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, या पाइप इंक्लाइन भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वेंचुरीमीटर जो है वो डिस्चार्ज को मेजर कर सकता है. नेक्स्ट है 66 क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द डाइवर्जिंग पोर्शन ऑफ वेंचुरीमीटर इन कंपैरिजन टू कन्वर्जिंग पार्ट इज मोर, है ना. बताया था मैंने अभी आपको, बॉम्बे इज द राइट आंसर. ये जो डाइवर्जिंग वाला पार्ट है इसकी लेंथ ज्यादा होती है कन्वर्जिंग वाले से, वही कह रहा है ना. डाइवर्जिंग पोर्शन की जो लेंथ है वेंचुरीमीटर के अंदर वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कन्वर्जिंग पोर्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, ऑरिफिस मीटर इज यूज टू मेजर, ये भी डिस्चार्ज को मेजर करता है. वेंचुरीमीटर और ऑरिफिस मीटर दोनों क्या करते हैं, डिस्चार्ज को मेजर करते हैं, लेकिन इनका जो डिवाइस है अलग टाइप की होती है ना, कंस्ट्रक्शन का अलग होता है. तो ये देखिए ये क्या है आपका, ये है ऑरिफिस मीटर, ये कोई पाइप है इसके अंदर आपने इसको मेजर करना है. तो ये ऑरिफिस प्लेट है, यहाँ पर एक्चुअली कुछ इस तरह से एक स्मॉल ओपनिंग होती है, बहुत ही छोटी सी ओपनिंग होती है जहां से फ्लूड जो है वो पास हो रहा होता है. ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ऑरिफिस प्लेट कहते हैं, राइट. चलिए, ऑरिफिस मीटर इज यूज्ड
फॉर मेजरमेंट ऑफ ऑरिफिस किस लिए यूज कर रहे हैं, रेट ऑफ फ्लो यानी कि डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए। कई बार डिस्चार्ज कह देता है, कई बार रेट ऑफ फ्लो कह देता है, ठीक है। तो वेंचुरीमीटर ऑरिफिस मीटर दोनों क्या करते हैं, रेट ऑफ फ्लो को मेजर करते हैं यानी कि डिस्चार्ज को मेजर करते हैं ना, डिस्चार्ज को मेजर करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका पिटोट ट्यूब इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। ये जो पिटोट ट्यूब है ना, ये पिटोट ट्यूब वेलोसिटी मेजर करने का काम करती है। मैंने आपको बताया हुआ है वन शॉर्ट वीडियो में कि जो एप्लीकेशंस हैं, किसके एप्लीकेशन, बर्नौली इक्वेशन के जो एप्लीकेशन है, तीन एप्लीकेशन बताए थे, वेंचुरीमीटर, ऑरिफिस मीटर और तीसरा बताया था मैंने आपको पिटोट ट्यूब, ठीक है। तो ऑरिफिस मीटर और वेंचुरीमीटर तो डिस्चार्ज को मेजर करेंगे, लेकिन जो पिटोट ट्यूब है ये किसको मेजर करेगी, ये वेलोसिटी को मेजर करने का काम करती है ना। कुछ इस तरह से बताया था मैंने आपको, ये पॉइंट वन है, ये पॉइंट टू है, यहाँ पर एक ट्यूब होती है इस तरह से, यहाँ पर एक लेवल जो है इसका राइज हो जाता है। कैसे हो जाता है कि पॉइंट वन से इधर की तरफ फ्लूड का फ्लो हो रहा है, तो वन से जब पॉइंट टू की तरफ हम चल रहे हैं तो फ्लूड की जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज कन्वर्टिंग इनटू व्हाट, जो फ्लूड की काइनेटिक एनर्जी है वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि पॉइंट टू पर आकर के क्या हो जाती है, वेलोसिटी जीरो हो जाती है। पॉइंट टू पर वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो हो गई। और मैंने अभी बताया था जब फ्लूड की जिस पॉइंट पर फ्लूड की वेलोसिटी जीरो हो जाती है, जब फ्लो रुक जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, हम स्टैग्नेशन पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, स्टैग्नेशन पॉइंट कहते हैं। सो व्हाट डज द पिटोट ट्यूब मेजर, पिटोट ट्यूब क्या मेजर करती है, वेलोसिटी को मेजर करती है। अपॉन विच द प्रिंसिपल डज अ पिटोट ट्यूब वर्क, ये बर्नौली इक्वेशन पे काम करती है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, बी बॉम्बे इज द राइट आंसर, है ना। वेलोसिटी को मेजर करना है काम करती है और ये बर्नौली प्रिंसिपल पर काम करती है, बॉम्बे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, अ पिटोट ट्यूब इज यूज टू मेजर, है ना, वेलोसिटी को मेजर करती है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो। इन अ पिटोट ट्यूब द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट ए पॉइंट इज रिड्यूस टू जीरो, जहां पर पिटोट ट्यूब के अंदर जिस पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है, बताया था मैंने, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैग्नेशन पॉइंट कहते हैं, है ना। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है, जहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो वहां पर उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैग्नेशन पॉइंट बोलते हैं। द डिस्चार्ज थ्रू अ पाइप कैन बी मेजर्ड विद, जो डिस्चार्ज हो रहा है पाइप के अंदर जो फ्लो हो रहा है, जो डिस्चार्ज है उसको हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेंचुरीमीटर, यस, ऑरिफिस मीटर, यस, ऑफ फ्लो नोजल, यस। तो यहाँ पर हम ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। मैंने बोला था ना आपको, जहां भी आपको ऑप्शन मिल जाए, ऑल ऑफ दी ऑप्शंस आर करेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑलवेज, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमेशा जो है ऐसा सही नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जहां पर ऐसा ऑप्शन मिलेगा, ऑल ऑप्शंस वाला, ऑल आर करेक्ट, तो वही आपका ऑप्शन ठीक होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। तो फिलहाल जो है डी यहाँ पर सही आंसर है आपका, राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, द एनर्जी लॉस राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द चीपेस्ट डिवाइस फॉर मेजरिंग फ्लो डिस्चार्ज रेट, मतलब फ्लो को मेजर करने का काम कौन करता है, डिस्चार्ज को मेजर करने का काम कौन करता है, जो कि चीपेस्ट डिवाइस हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच इज द चीपेस्ट डिवाइस फॉर मेजरिंग फ्लो और डिस्चार्ज रेट, इसमें से कौन सा चीपेस्ट डिवाइस है फ्लो मेजर करने के लिए या डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए। आंसर हो जाएगा आपका सी, है ना, सी इज द राइट ऑप्शन, राइट आंसर। जो ऑरिफिस मीटर इज वन ऑफ द चीपेस्ट डिवाइस विच इज यूज टू मेजरिंग द फ्लो रेट और टू मेजरिंग द डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए। अगर हम वेंचुरीमीटर से कंपेयर करें ऑरिफिस मीटर को, तो ये काफी इसकी कॉस्ट कम होती है, ठीक है। इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है, सीडी की वैल्यू काफी कम होती है, वेंचुरीमीटर की सीडी की वैल्यू काफी ज्यादा होती है, लॉसेस जो है ऑरिफिस मीटर में ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये चीपेस्ट डिवाइस होती है डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 तक ही करने थे, लेकिन पास्कल लॉ के ऊपर दो तीन क्वेश्चन है, इनको भी कर लेते हैं, तो हमारा ये जो है पास्कल लॉ भी फिनिश हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, the working of which of the following hydraulic unit is based on Pascal law, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, hydraulic press, hydraulic lift, hydraulic press, hydraulic brakes, ये किसके एग्जाम्पल है, Pascal law के एग्जाम्पल है। और ज्यादा डिटेल में अगर आपको समझना है, चीजों को डिटेल में समझना है, तो आप मेरा वन शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं, है ना, यूनिट वाइज वन शॉर्ट वीडियोज अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट ऑफ दिस वीडियो, 15 बार
इज इक्वल टू हाउ मेनी पास्कल्स? आप सभी जानते हैं 1 bar इज इक्वल टू 10^5 पास्कल, तो 15 bar में कितने पास्कल हो जाएंगे? 15 × 10^5 पास्कल, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका 1.6 × 10^6 पास्कल, यानी कि ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी इज द बॉम्बे इज द राइट ऑप्शन, ठीक है? नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। अ हाइड्रोलिक प्रेस हैज अ रैम ऑफ 30 सेंटीमीटर डायमीटर एंड अ प्लंजर ऑफ 2 सेंटीमीटर डायमीटर, इट इज यूज्ड फॉर लिफ्टिंग अ वेट ऑफ 35 किलोन्यूटन, फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड एट द प्लंजर। ये देखो इधर है ना, अच्छा क्वेश्चन है पास्कल लॉ के ऊपर, और ये देखिए ये एक रैम है, यहां पर इस तरह से बना देता हूं मैं पहले इसको कंप्लीट लाइक दिस। तो यहां पर कोई रैम है इस एक सेकेंड, ये कोई रैम है, इस रैम के ऊपर क्या रखा हुआ है? वेट रखा हुआ है, ये हो गई हमारी रैम, दिस इज रैम। इस रैम के ऊपर क्या है? एक वेट रखा हुआ है जिसको हमको लिफ्ट करना है, और इसके अंदर जो है फ्लूड भरा हुआ होगा, इसके अंदर क्या है? फ्लूड भरा हुआ है, और यहां पर क्या है? एक प्लंजर है, यहां पर क्या है? एक प्लंजर है, दिस इज प्लंजर, दिस इज प्लंजर, और इस प्लंजर पर हमने क्या लगाना है? फोर्स लगाना है, ठीक है? इस फोर्स, इस प्लंजर के थ्रू फोर्स लगाएंगे और ये जो वेट है ये ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगा। मान लीजिए आप, एक सेकेंड, यस, यहां पर जो प्रेशर है वो P1 है, और यहां पर जो प्रेशर लग रहा है वो कितना है? P2 है। इसका एरिया कितना है? A1। इसका एरिया कितना मान लेते हैं? A1। और डायमीटर कितना हो जाएगा? D1। इसका एरिया कितना हो जाएगा इधर प्लंजर का? A2, या फिर डायमीटर हो जाएगा इसका D2। इसी तरह से यहां पर जो वेट लिफ्ट हो रहा है वो कितना है? दैट इज गिवन टू यू, दैट इज 35 किलोन्यूटन। रैम के ऊपर कितना वेट रखा हुआ है? तो इसको मान लीजिए जो वेट है यहां पर, जो फोर्स एक तरह से, वो 35 किलोन्यूटन है। कितना है? 35 किलोन्यूटन है, या इसको हम लिख सकते हैं 35 × 10^3, है ना, न्यूटन में कन्वर्ट कर लेते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करके। और ये जो फोर्स है, प्लंजर पर फोर्स लगाना है हमको, फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड एट द प्लंजर, प्लंजर पर कितना फोर्स लगाएं? मान लीजिए F2 फोर्स लगाएंगे तो ये जो वेट है F1 ये ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगा। तो लगा दीजिए इसमें पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या कहता है कि जो इंटेंसिटी होती है प्रेशर की वो क्या होती है? बराबर होती है हर पॉइंट पर, हर किसी भी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर होती है दैट इज रिमेन सेम इन ऑल द डायरेक्शंस। तो या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि जो फ्लूइड का जो प्रेशर होता है इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है ना, हर डायरेक्शन में। तो P1 जो है P2 के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू द पास्कल लॉ। और प्रेशर होता क्या है? दैट इज फोर्स अपॉन एरिया, F1 / A1 इज इक्वल टू F2 / A2। आप इसको लिख सकते हो, आपको F2 की वैल्यू निकालनी है, तो F2 कितना हो जाएगा यहां से? दैट इज इक्वल टू A2 / A1 × F1, ठीक है? A2 कितना है यहां पर? क्योंकि डायमीटर दिए हुए हैं आपको, एरियाज नहीं दे रखे हैं, ये डायमीटर देखिए दिया हुआ है आपको, रैम का डायमीटर, यानी कि आपको D1 की वैल्यू दे रखी है, और 2 सेंटीमीटर आपको D2 की वैल्यू दे रखी है प्लंजर का डायमीटर। तो आप इसको π/4d² लिख सकते हैं क्या? π/4d² डिवाइडेड बाय π/4d1² × F1, ठीक है? तो यहां से π/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं d2/d1² × F1 इक्वल टू d2 की वैल्यू कितनी है? 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय d1 की वैल्यू कितनी है? 30 सेंटीमीटर, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चंस में आपको दिए हुए हैं 30 और 2 सेंटीमीटर, इनका स्क्वायर कर दीजिए, और F1 की वैल्यू कितनी थी? 35 किलोन्यूटन, यानी कि 35 × 10^3 न्यूटन, 35 × 10^3 ये आ गया आपका न्यूटन। तो आप जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर मिलेगा दैट इज कमिंग आउट, ये न्यूटन में आएगा, और F2 की वैल्यू जो आ रही है आपके पास वो आ रही है 155.5 न्यूटन। कितना आ रहा है? 155.52 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन ए जो, ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। F2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? F2 की वैल्यू आ गई, जो प्लंजर पर जो फोर्स लगा रहे हैं हम 35 किलोन्यूटन का लोड को लिफ्ट करने के लिए, F2 की वैल्यू आ रही है 155.5 न्यूटन। या फिर आप इसको अगर किलोन्यूटन में अगर आप देखें, है ना, किलोन्यूटन में अगर आप लिखेंगे तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, जब आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा किलोन्यूटन में कितना आएगा? 0.155 किलोन्यूटन। देखो, अब देखो पास्कल जो लॉ है उसकी ब्यूटी देखना आप, व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ पास्कल लॉ। आपने कितना वेट को लिफ्ट करना है? 35 किलोन्यूटन का वेट लिफ्ट करना है। 35 किलोन्यूटन को लिफ्ट करने के लिए केवल आपको 0.15
5 किलोन्यूटन का लोड यहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ पास्कल लॉ। कितना वेट आपको लिफ्ट करना था बच्चे? आपको वेट लिफ्ट करना था 35 किलोन्यूटन, है ना। रैम पर जो वेट रखा है कितना? 35 किलोन्यूटन। और आपने प्लंजर पर कितना फोर्स लगाया? 0.155 किलोन्यूटन। तो इतना सा वेट, 1 किलोन्यूटन भी नहीं है, है ना। 0.155 किलोन्यूटन फोर्स लगाएंगे प्लंजर पर और आप कितना जो है, कितना वेट को लिफ्ट कर पाएंगे? 35 किलोन्यूटन को, है ना। तो यहां पर ये न्यूटन में आंसर आ रहा है आपका 155.5 न्यूटन। दैट इज द आंसर। तो बहुत ही कम फोर्स लगा करके आप ज्यादा अमाउंट का वेट लिफ्ट कर सकते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ पास्कल लॉ। चलिए, इसका एक लास्ट पार्ट बच गया है, यूनिट 3 का पार्ट 3। आज पार्ट 2 हमारा, पार्ट 1 हमारा ऑलरेडी हो चुका है, आज हमारा पार्ट 2 हो चुका है यूनिट 3 का। पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिक टर्बाइन्स, हाइड्रोलिक पंप्स एंड देयर एप्लीकेशंस। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।